मन धीरिया, ये अकल समझ आ जाए फिर कर्मा कांडा तो छूट जाते, और सच नू फॉलो करन दा दिल करता है, इस करके सच मंगया है, इनू श्रद्धा कहते हैं। मेरी ये श्रद्धा है, मनु सुमत बख्शो, मनु गॉड खुदा नाल मिला दियो आज ही, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, बहुत समा बीत गया मेरा, मनु एज सुन एज पॉसिबल मैं हम्बली आया थोड़े डोर से, अदरवाइज मैं अपसेट रहा, मैं गुस्सा बहुत चढ़ता है, मेरी पेशेंस नहीं है, मेरे का टॉलरेंस लेवल नहीं है, नूं सास लड़ रहे ने, पति पत्नी लड़ रहे ने, मैनू कोई कुछ कवे मैं नहीं बेर कर सकता, हर गल ते मैनू चैन ही नहीं आता, मैं बहुत अपसेट रहता, मनु अपने नाल जोड़ लो आज मिला लो। ये तरवास आ जाना सतगुर पिछे लग के सच वाले पासे जाके मैनू ही मेरी कबर प्राप्त हो सकती है। कबर प्राप्ति मीनस नो पटकना, नो फेर, नो चारे कुंडा पा लिया, नो घूमना आई है, फिनिश। कंचन वन्ने पासे, कंचन वन्ने पासे होंदे सारा एक एक अंग कंचन हो गया, सोने वर्गे पासे हो गए सारे, मन पवित्र हो गया। कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया, अपना सीस कटा दिता। अगे कहते हैं शेख हयाती जग, हयाती की होंदे आम तौर पर दुनिया लैंग्वेज यूज कर रही, मेरी हयाती में तुम आगे से ये गलत काम मत करना। पिताजी की हयाती के टाइम, फलाने की हयाती मतलब जदों तक शरीर मौजूद सी। गुरु साहब कहते ने फरीद जी की रसना तो भी कहते ने, फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वणकंडा मोड़े, वसी रब हयाली है हिरदे च वसदे ने। शेख हयाती जग कहते ने रब जी तेरे जींदे जी शरीर दे हिरदे विच वसदे ने। शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, कौन थिर नहीं रहा, मेरे मन दी झूठी रचना, मेरा मन हुण गया। इनू कहंदे ने चार दिन अपनी नौबत चले बजाए। मेरे मन ना चार दिन मीन्स मैनी डेज तो, फ्यू डेज तो अपनी नौबत तूती बजांदा रहिंदा सी। जो ही मैं सतगुरु की मत लई गया, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। मन खाली हाथ टुर गया, गया ज्वारी हाथ चाड़ के गया, चले ज्वारी दोए हाथ चाड़ खाली उठ के गया। बहुत रोला पांदा सी, बहुत अपना बिगल बजांदा रहिंदा सी, बहुत अपने नाद ते मैनू नचांदा रहिंदा सी, बहुत अपने गाने ते मैनू नचांदा रहिंदा सी। अब मोए नाचनो ना आवै, क्यों नचाने वाला गया। सत्संग जींदे जी नचाने वाला चला जाए, ओनू कहंदे ने बाबा बोलते थे कावे, शरीरक किसे मनुख दे मर जान दे बारे वो शब्द नहीं है। जेड़ा मेरा मन तूती बजांदा सी ना, जिदे नाल मनु बचंदड़ियां निकलदियां सी, गया। सिंपल लैंग्वेज कहना दफा होया, अपना भांडा ठूठा लैके गया, मेरा मकान खाली कर गया, शुक्र है। मनु बहुत अपसैट करदा सी, शराब पिलांदा सी, लव मैरिज करांदा सी, नशे करांदा सी, गालना कढांदा सी, मजहबी वितकरे करांदा सी, कम्युनल हेटरेट करांदा सी, लोकां नाल झगड़े करांदा सी, मैं नफरत बोध करदा सी, गया। इहदे जान सार खुदा जी आ गए, वसी रबे आली है। शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, गया मेरा मन। जिस आसन हम बैठे, फरीद जी कह रहे हैं हूँ खुदा के जिथे बैठे ना, केते बैठ गया इतने ना, बड़े मन में भैड़े ख्याल आते थे, गए यहां से, वो जो इस कुर्सी पे बैठते थे ना मेरे हृदय की जमीन धरती कुर्सी पे, गए
बड़े पताला पताल वर्गे मंदे मंदे ख्याल आते सन, बड़े पताला पताल अल्लाह का गासा गास है, जो बड़े अनेक ख्याल आते सन। गए सारे गए, जींदे जी ग्रेव, जींदे जी रबी मिलन। सत्संग जी मैं कोई नवी गल नहीं जे पढ़ा रहा, मैनू तो जो फरीद जी ने लिखिया जो समझ आ रहा, बड़े भैड़े भैड़े ख्याल आते सन गए। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान फरीद जी जिस आसन से बैठ गए हैं, जे इस नू समझ ले तो वह भी बैठ सकता है। एम आई राइट? कोई भी इंसान गुरु ग्रंथ साहब चो पढ़ के फरीद जी का शब्द समझे या जिस तरह मर्जी समझे, फरीद जी का सुनिया समझे, ओ सच ते टिक सकता है। जपजी साहब की बड़ी छेती तुहाडे कोल पुस्तक आएगी। जदों असी जपजी साहब के अर्थ समझ रहे सां सारे लिविंग ट्रेजर वाले, तो असी उहदे विच एक पंक्ति आई, देंदा दे लैंदे थक पाए। इहदे अर्थ कीते जांदे सन, रब बड़ियां खाण पीण हंडाण दीआं दातां देंदा है, लैण वाले लै लै के थक जांदे ने। मैं सोचा लोकी पता नहीं थकते ने कि नहीं थकते ने, मैं नहीं थकता। किसी वेले मैं सैकल मंगता सी, बड़ा नाराज होया सी घर वाले नाल, फिर स्कूटर मंगता सी, फिर जल्दी स्कूटर चाहिदा सी, बड़ी लंबी लाइन वैसपा चेतक की लगती सी, मैनू छेती चेतक मिल गया। फिर मैं उस तो बाद फिर मैं कार मंगता रहा, फिर उस तो बाद मैं ग्रीन कार्ड वास्ते बंगला साहब चिली कटता रहा, फिर जिस दिन ग्रीन कार्ड मिलया आके प्रसाद कराया, फिर ग्रीन कार्ड तो बाद अमरीका गया, फिर मन की इको दौड़ सी सिटीजनशिप छेती तो छेती मिले, फिर उस तो बाद मकान हो, फिर मॉर्गेज हो, फिर ये हो, फिर सोशल सिक्योरिटी मिले, ये हो। मेरा तो मन रुके ही नहीं, तुहाडे च रुकिया किसी का? तो लेंदे थक पाए हो, थके हां असीं कोई? अच्छा गुरु साहब तुसीं की कहंदे हो? गुरु साहब कहंदे ने वड्डे वड्डे राजन और भूमन ताकि त्रिशन ना बूझी रहे, कोट जो रो रहे, लाख रो रहे, मन ना हो रहे, पर परे ही कोई लूझी रहे, कोई रुकया है? त्रिश्ना विरले ही की बूझी रहे, रुकया कोई, थकया है? तो इसते अर्थ सोचो, विचारो, दुनियावी पदार्थां दे देण दी गल नहीं चल रही। दात गुरबाणी विच किनू कहंदे ने? सच दी भोजन नू, अमुल गुण व्यापार नू, रतन जवाहर माणिक वर्गी मत नू। कहंदे ने देंदा दे, रब जी सारी उम्र सारी दुनिया वास्ते सच दी विचार दे रहे ने। सच दी दात, गुरप्रसाद, विजडम, खुदाई पैगाम दी बारिश कर रहे ने। लेंदे जेड़ा मन लेंदा है, थक पाए होंदा स्टेबल हो जाता है, टिक जाता है। यही गल तो फरीद जी कर रहे हैं, बैठ गए, टिक गए, मन टिक गया, थॉट प्रोसेस मंदे वाला मन गया, रब जी नाल एक मिकता वाला मानन इस कार बैठ गया। एक गल नू समझण दा प्रतीक है, सिर्फ सिर्फ वर्डां दी वर्ड्स अखर वोकैबलरी दी मुथाजी कारण कि एक शैतानियत मत वाला मन सी, मन की मत वाला मैला मन सी, ये चला गया। हुण सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच त्याया, उन्नी मंदे पैर ना रखे हुण कर सुकृत धर्म कमाया वाला मन आ गया। फिर भी मेरी इस बॉडी नू मन ही चलाएगा, मेरी इस बॉडी का संचालक करता मालक ड्राइवर सुल्तान मन ही है। पर हुन मन जाग पिया है, हुन मन पता की कहता है? मन मेरे सतगुर के पाने चल। हुन मन पता की कहता है? आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। पर सतगुरु कदों मिलिया? असी तो आनंद साहब वेले उठ के चले गए सी। मत कह रही है जो मैं आपा सरेंडर किया ना, गोरी कहती पी है, गोरी मन धीरी है, जो मैं पता लगा छह लंघंदे पार सुजान सतगुरु मैनू मुरीद नू पार लंघा सकता है, मैं अपनी मन की मत सरेंडर कीती। मत्था टेकण दा भाव, मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई है। जो ही मैं सरेंडर कीती, मनु दात मिली, लेंदे थक पाए, मन स्टेबल हो गया। हुन अगे की कहंदे ने,
वंस ग्रेव प्राप्ति हो जाए नो पटकना नो फेर कंचन वन्ने पासे सारे शरीर का एक ही कांग हो गया। शेख आदि जग रब शरीर अंदर है सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी सब जगह नाव मन की मत दा कुछ नहीं बचिया कूड़ सी चला गया। मन नू क्लियर हो गया कि निज घर दे अंदर रब जी रहते ने इन्हों का आसन लग गया हूँ मैं निज घर च रहना चाहिए हूँ मैं चारों पासे नहीं भटकना चाहिए। लोकी की करते हैं मैनू नहीं वेखना दुनिया की कर रही है मैनू नकल नहीं मारनी लोगों के पल पल की गलतियां के नुक्स मैनू नहीं कढ़ने। पिछे हमने पिछले हफ्ते साडा दिल्ली अंदर एक स्कूल दे टीचर्स और प्रिंसीपल नाल सैमीनार होया सी मैं उन्होंने डिस्कस किया इत्थे टीचरी पढ़ाते हो ना टीचरी नू घर ना लै जाना जे घर लै गए ना तो तुसी सारिया टीचर अपनी सस अगे भी टीचरी दिखाओगी पति अगे भी टीचरी दिखाओगी बच्चे अगे भी टीचरी दिखाओगे हर किसी को मालूम है मैं वहाँ टीचर थी TGT थी PGT थी MED थी PhD थी बच्चे थर थर कांपते थे मेरे से इतने सब्जेक्ट मैं पढ़ाती थी ये आदत पै गई ना एक बार टीचरी चुक के घर लै गए तो एंज लोग आर्मी वाले घर आर्मी चुक के लै जाते हैं डिसिपलिन घर वाले का जीना औखा हो जाता है। टीचरी वाले लै जाते हैं डॉक्टरी वाले डॉक्टरी लै जाते ये मत खाओ ऐसे हो जाएगा बीमार हो जाओगे अपना जो लैके घर जाते हैं ना तो उन्होंने टीचर मैं डिस्कस कर रहा जो इंज घर लै जाओ ना नाल ही तो मैं पार्क में दिल्ली आया रजौरी गार्डन पार्क अंदर सैर कर रहा सी एक लेडी पार्क चावे ये क्या किया है यहाँ पर ये गाय अंदर आ गई है यहाँ गोबर किया हुआ है यहाँ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ ये हो रही क्या है ये पेड़ नहीं लगा है यहाँ पर ऐसे है पता नहीं कौन है यहाँ की यूनियन क्या हर वेले ना वो एंज कर दी सी। एक दिन मैं देखा पार्क ही एंज गुस्से नाल बोल रही सी ब्रेन स्ट्रोक होया पैरालाइज हो गई। बाद इस पता लगा ये जो लेडी गिर गई है ना जिसको पैरालाइज हुआ है ये टीचर थी रिटायर हो गई सी टीचरी तो ना छुट्टी सत्संग टीचर पैड़े नहीं होते मत मैनू कोई टीचर आके फड़ लवे। शेख हयाती जग मन नू क्लियर हो गया कि इसे शरीर नू इहदा मतलब गुरमत विच शरीर नू नहीं निंदिया जांदा सारी दुनिया ने इसनू निंदिया वो जब पैदा हो तो दुख माँ के पेट में दुख पुट्ठे लटको तो दुख वो जब जम्मो तो दुख वो उसके बाद दुख वो फिर गर्मी का दुख फिर सर्दी का दुख वो फिर टब्बर का दुख फिर वो दिहाड़ी में और सारी जिंदगी में ढेरों दुख होते हैं इसलिए ऐसे मारो रब जी के मुड़ के आना ही ना पवे है ना यही सिखाया ना जे अगर नहीं मानोगे तो मैं कोई ऐसा कर्म कांड करके जाऊंगा दोबारा जमा ही नहीं सकोगे क्यों क्योंकि यहां पर दुख ही दुख है।